चलो आइए, सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर जातक जो है उसकी कुंडली में इस तरह के अगर ग्रह योग हैं तो जातक को जल्दी शादी कर लेना चाहिए। अगर उसकी नौकरी वगैरह अच्छी चल रही है और शादी की चाहत रखता है तो इस तरह के ग्रह योग होने से जो हम बताने जा रहे हैं तो आपको शादी के बाद अच्छी उन्नति होती है, आपका भाग्य परिवर्तन होता है, आपका भाग्योदय होता है। यह सब जानकारी के लिए हमने एक उदाहरण के लिए एक कुंडली यहाँ लगाई हुई है। ये 12 जो राशि है वो लग्न है, मीन लग्न है। मीन लग्न ये पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 ये 12 भाव की आपको जानकारी है। यहाँ कोई सा भी लग्न हो सकता है, यहाँ 12 मीन लग्न है, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई सा भी लग्न हो। परंतु आपको क्या देखना है, आपका सप्तम भाव को देखिए। आपका जो भी लग्न हो उसका सप्तम भाव देखिए। अगर सप्तम भाव जो है वो कैसा गिनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7वां भाव रहता है, इसको विवाह भाव बोलते हैं, शादी का भाव बोलते हैं। और इसके स्वामी को जो बनता है बुध, यहाँ पे ये कन्या राशि बनी हुई है, उसका स्वामी बुध है, वो आप देखिए 9वां भाव कहलाता है। लग्न से 9वां हो जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9वें भाव में बुध बैठा है। अगर इस तरह का सप्तम भाव का स्वामी 9वां भाव जो कि भाग्य के भाव में बैठेगा तो मतलब आपकी पत्नी घर का मालिक जो है वो भाग्य में बैठ गया। मतलब जब पत्नी आएगी तो आपका भाग्य उदय होगा, ऐसा कहा जाता है। तो आपकी बहुत संभावना है, अगर आपका सप्तम भाव का जो भी स्वामी बनता हो, यहाँ जो भी हो, अगर यहाँ सप्तम भाव में का स्वामी अगर 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, बहुत अच्छा भाव कहलाता है, वहाँ बैठेगा तो आपकी उन्नति शादी के बाद ही होने वाली है। तो आपको जो पत्नी भी मिलेगी वो भी अच्छे स्वभाव के मिलेगी, वो धार्मिक भी रहेगी, आपको गाइड भी करेगी, आपको गाइड करके आपके शादी के बाद में आपके भाग्य को उन्नति देगी। विदेश में भी आपको नौकरी का योग बन जाएगा, विदेश में भी आप जाएंगे पति पत्नी विदेश जाके। आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना है, सॉफ्टवेयर में लड़के लड़कियां दोनों अपने विदेश में जाके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका भाग्योदय विदेश में भी हो सकता है क्योंकि ये विदेश का घर भी है। तो इस तरह से आपको अगर शादी हो जाती है तो आपका, अगर आपका काम वगैरह अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो आप जरूर कीजिए। अगर आपको चाहत है कि आप शादी करना चाहते हैं तो इस तरह के ग्रह अगर आपके हैं, सप्तम भाव का स्वामी अगर भाग्य में बैठा है तो आपको अपने भाग्योदय चाहते हो तो पत्नी के आने के बाद ही होगा, ऐसा मान के चलिए। तो आपकी पत्नी आएगी, आपका भाग्योदय होगा, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, विदेश में भी अच्छा जॉब मिलेगा, दोनों विदेश जा सकते हैं तथा साथ में आपको उनका मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा। तो इसमें एक ही कंडीशन है कि जो ग्रह है शादी का मालिक है वो अच्छे प्रभाव में होना चाहिए। जैसे बुध है जो शुक्र के साथ में बैठा है वो उसका फ्रेंड है, केतु भी यहाँ पे अच्छे फल देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस तरह के ग्रह योग अगर आपकी कुंडली में बने हैं तो आपको जरूर शादी के बाद में भाग्योदय होगा, आपको वाइफ भी अच्छी मिलेगी और वो आपको गाइड करेगी, हर तरह से गाइड कर सकती है। तो आपका ये पक्का हो गया कि आपकी शादी के बाद ही आपका भाग्योदय होने के बहुत संभावना इससे बन जाती है, क्योंकि शादी का मालिक ही भाग्य भाव में बैठा है तो ये उन्नति देगा। अकेला शुक्र भी अगर आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठा है, मान लो वो सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र यहाँ बैठे, या कहीं से भी आप देख लीजिए, अगर शुक्र के अगर यहाँ बैठा है और अच्छी पोजिशन में हो तो जातक का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है, कि शुक्र भी शादी का कारक है और वो भागों में बैठा है, इसलिए अकेला शुक्र भी अगर आपकी कुंडली में शादी के
शादी के बाद ही वो शुक्र जो है वो कारक है शादी का, वो अगर भाग्य भाव में बैठा है और आपकी शादी होने के बाद ही ये भी शुक्र भी आपका भाग्योदय कराएगा, तो आप देख सकते हैं अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं और जो भी ग्रह हैं वो अच्छी पोजीशन में हो, अस्त नहीं हो, ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं हो, तो आपको जरूर शादी के बाद में आपकी उन्नति पक्की हो जाती है। तो आपको जो मार्गदर्शन भी अच्छा मिलेगा, आपको सब तरह के भाग्य की जो उन्नति है वो होगी, विदेश में नौकरी प्राप्त होगी। तो आप जा देख लीजिए, अगर आपकी कोई सी भी लग्न की कुंडली हो, अगर सप्तम भाव का स्वामी ये नवम भाव जो बोलते हैं लग्न से आप नौ गिनेंगे, नवम भाव में बैठा होगा अगर शुक्र अकेला बैठा हो तो भी, और अगर सप्तम भाव का स्वामी भी अगर यहाँ बैठा होगा तो आपका भाग्योदय विदेश में ही होगा और आपका देश में भी होगा तो देश में भी आपका भाग्य का उदय इसी में होगा। आप देखिए आपकी कुंडली में अगर अगर ये क्या है, व्यापार का भी मालिक है तो व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि शादी का मालिक भाग्य में आया है और शादी होने के बाद में आपका भाग उन्नति हुई है। तो आपको ये विदेश का भी है तो विदेश में भी आपकी उन्नति होगी, व्यापार में का भी है तो व्यापार से उन्नति होगी, पत्नी अगर पार्टनर बनती है तो उससे भी उनको आपको लाभ मिलेगा। इस तरह आपने जाना कि अगर सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में होगा तो आपका कोई सा भी लग्न हो देख लीजिए आप, अगर सप्तम भाव का स्वामी यहाँ आपके नवम भाव में बैठा है और शुभ प्रभाव में है, अच्छी उसकी स्थिति है, अच्छी डिग्री में है, शुक्र भी अच्छी पोजिशन में है, शुक्र अकेला भी हो तो भी अगर वो आपका अच्छी डिग्री का हो, अस्त नहीं हो, नीच का नहीं हो, तो आपको जरूर भाग्य की उन्नति होगी शादी के बाद। तो इस तरह अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर है 9893234239। अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मामूली सी दक्षिणा दे रहेगी, उसके साथ ही आपको कुंडली विश्लेषण हम करके देंगे, आपको साथ में टेलीफोन से ये परामर्श होगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी जानकारी दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।